वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बताते चलूँ कि आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं बाईपास सर्जरी के हवाले से, और अभी हमने बात शुरू नहीं की है क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे इंडस हॉस्पिटल कराची की। तो आज आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहे इंडस हॉस्पिटल के लिए कॉल करना चाहें कॉल कर सकते हैं, या बाईपास सर्जरी के हवाले से कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं CEO इंडस हॉस्पिटल कराची, प्रोफेसर ऑफ कार्डिक सर्जरी डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। और डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो समी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद समी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, मिजाज ठीक है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस आजकल जरा हार्ट प्रॉब्लम चल रही है मुझे। अरे जी, मेरा ये था सर, मेरा सवाल कि मेरा सन 2000 में बाईपास ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो तकरीबन 10 साल तक तो मैं बिल्कुल सही रहा। अब यह दोबारा मुझे वही तकलीफ शुरू हो गई है। पहले मुझे चलने से अनजाना होता था, अब उसके बाद फिर वही सेम तकलीफ मुझे शुरू हो गई है। ओके, उम्र क्या है आपकी समी साहब? मेरी उम्र 62 साल है जनाब। 62 साल है, क्या लगता है आपको क्या वजह है तकलीफ? आपने स्मोकिंग वगैरह तो नहीं की उसके बाद? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, सिगरेट तो मैंने हाथ तक नहीं लगाया बिल्कुल। वॉक एक्सरसाइज वगैरह की? वॉक भी करता हूँ, हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करता हूँ मैं। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं, इन्होंने क्लियर बता दिया कि एंजाइना इनको रिकरेंस हो गया है। ठीक है, 10 साल 12 साल अभी हम आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहली बात बताइए, मोहम्मद समी साल के ही सवाल पे आऊँगा, बाईपास सर्जरी अक्सर जो लोग करवाते हैं वही समझते हैं कि अब हम दिल हो गया हमारा 0 मीटर, हम दोबारा हो गए जवान, और अभी तो मैं जवान हूँ। और उसके बाद अब जैसे समी साहब ने तो खैर कह रहे हैं कि ना स्मोकिंग की है, जबकि रेगुलर वॉक भी की है और शायद डाइट कंट्रोल भी किया है, तो इनको क्यों हो गया? और बाईपास के बाद क्या दिल 0 मीटर हो जाते हैं? देखिए, जो बाईपास जो है ना, वो तरीका है, एक पैलिएटिव सर्जरी है जिसको कहते हैं, कि इलाज नहीं है, कि जिसको कह देंगे जो बीमारी है, जो रगों में कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना और रुकावट हो जाना, वो एक बीमारी है जिसका जिसका जड़ से ख़त्म हो जाना नहीं है। ये सिर्फ जो ब्लॉक है उसको हम बाईपास कर देते हैं ताकि खून जो है ना दिल की शरियानों के थ्रू उस जगह पहुंच सके जहां नहीं पहुंच रहा था। और इसकी एक लाइफ स्पैन है कि जी, अगर बहुत अच्छा कंट्रोल रखेंगे और डायबिटीज़ का कंट्रोल, डाइट में कंट्रोल, वॉक, सिगरेट न पीना, या अगर सेकेंडरी प्रिवेंशन जिसको हम कहते हैं, अगर उसके ऊपर अमल किया तो 10 से 15 साल ये चल जाता है बगैर किसी प्रॉब्लम के। लेकिन उसके बाद फिर रिकरेंस होता है, जैसे इन सभी साहब ने जो है ना अपनी एहतियातें सारी की होंगी कि इनका 10 साल 12 साल तकरीबन हो गए, 2000 में किया तो 2012 है, तो वो है। अब इनको ये है कि इनको री एवेल्युएट होना पड़ेगा, टेस्ट वगैरह इनके दोबारा होंगे, एंजियोग्राफी दोबारा होगी इनकी और टेस्ट होंगे। ओके, तो किसी कार्डियोलॉजिस्ट से ये अपना रابطہ कर लें, किया भी होगा इन्होंने, और जिस तरीके से वो गाइड करें वो कर लें। ओके, चले मोहम्मद समी साहब, मुनासिब ये है, पहले तो ये कि अल्लाह ताला आपको सेहतयाब रखे, हमेशा आपका जो है ना सेहत के साथ ज़िंदगी दे। लेकिन ये है कि बेस्ट ये है, परेशान ना हो, कार्डियोलॉजिस्ट से मुआयना करवा लीजिए, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, एक और हमारे बहुत ही काबिल एहतराम कॉलर हैं, सारे कॉलर काबिल एहतराम होते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जो है ना जान हो जाते हैं किसी की, और असगर अली साहब हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा इस प्रोग्राम की जान बने हुए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर अली साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत अच्छा हूँ डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर बारी साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परवरदिगार आपको खुश रखे, आमीन। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब कि इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं आप हमें, और आपको मालूम ही है कि मैं भी यही पेशेंट हूँ, लेकिन इस वक्त अल्लाह ताला का इतना एहसान है इस रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में कि अभी तक तो बहरहाल बहुत ही बहुत अल्लाह का, अब आगे का कुछ नहीं पता, आपकी दुआएं साथ रहेगी तो हम ठीक रहेंगे, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे सेहत के साथ। और सब एक और बात आपसे शेयर करूंगा कि एक प्रोग्राम रखिए आप कान नाक के हवाले से, ठीक है? अलग उसमें उससे मुतालिक आजकल बहुत ही, मेरे बच्चे आपको मालूम है, मैं दादा भी हूँ नाना भी हूँ माशाल्लाह, तो बच्चों में जो है ना ये मेरे 4-5 बच्चे इसमें बस नाक और गला और कान ये सब प्रॉब्लम चल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ गाइडेंस मिल जाए। बाकी मैं आपको सलाम पेश करूंगा, आपकी पूरी टीम को सलाम, और डॉक्टर बारी साहब बहुत बड़ा नाम है,
परवरदिगार इसको और तरक्की दे और ये इंसानियत। इंडस हॉस्पिटल कभी जाना हुआ आपका? जी जी मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, जानता हूँ, और अल्लाह के फजल करम से मैंने उनसे मुसाहिफा भी किया। अच्छा चले, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? मैं मोहम्मद शफी बोल रहा हूँ कराची से। जी मोहम्मद शफी साहब, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी जी जनाब, मैंने मेरा इंजोप्लास्टिक 2 महीने पहले हुआ है, तो डॉक्टर इनका कहना था कि अभी आपको 4 महीने तक एहतियात करनी है। अभी मेरे पेन होता है तो ये बता रहे हैं कि मस्कुलर पेन है। अच्छा, तो मैं अभी हज पे भी जाना चाह रहा हूँ अक्टूबर में, तो मेरे लिए जाना आसानी होगी? ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ पूछना तो नहीं? ठीक है मोहम्मद शफी साहब, अभी डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, शफी साहब का क्या मसला? तो एंजियोप्लास्टी 2 महीने पहले हुई है तो वो डेफिनेटली सही हो गया होगा पेन, और कभी कभी जब एंजियोप्लास्टी या बाईपास होता है। एंजियोप्लास्टी होती क्या है, जरा बोलिए उसको भी बताइए। एंजियोप्लास्टी जो है ना, वो जो रगों में रुकावट होती है उसको गुब्बारे के साथ खोल के फिर एक स्टेंट लगा देते हैं जो कि दौरान खून को सही कर देती है, जो और जिस दिल के जिस हिस्से को खून नहीं जा रहा तो वो जाने लगता है तो पेन। नलकी कह दें, छोटी नलकी, स्टेंट भी नलकी होती है, नलकी होती है, तो उसकी वजह से दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, कभी इधर दर्द कभी इधर दर्द, वो मोस्टली मस्कुलर होता है। और बेशक अपनी दवाइयाँ जो खा रहे हैं वो उसको रेगुलरली खाएं जिस तरह उन्होंने बताया, और बेशक उम्र हज के लिए जाएं, अब तो बिल्कुल अच्छा नॉर्मल हो चुका है। एक दफ़ा एक प्लम्बर मुझसे मिला, मेरे घर काम कर रहा था, कहेंगे डॉक्टर साहब ये डॉक्टर बड़े जालिम लोग होते हैं। मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या जुल्म हो गया आपके साथ? तो कहेंगे कि मैं गया था, मैंने सारी ज़िंदगी प्लम्बिंग की है, तो एंजियोप्लास्टी मुझे कहा गई। अब जब एंजियोप्लास्टी के जो रेट्स पूछे तो कहेंगे वो जो नलकी है इतनी सी वो 1 लाख रुपए की या 1.5 लाख रुपए की आती है। कहेंगे आप देखिए हमारे पास इतने लंबे लंबे पाइप होते हैं जो कि कुछ 100 रुपए के होते हैं, तो इतनी सी नलकी इतनी महंगी देते हैं आप लोग? तो मैंने कहा मैं तो खैर नहीं देता, जो बनाते हैं। सही बात। तो क्या कहेंगे कि इतने बड़े पाइप तो सस्ते होते, इतनी सी नलकी क्यों महंगी होती है? नहीं, इसके ऊपर बड़ा काम होता है और बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ये चीज़ बनी है, उसकी कॉस्ट बहुत होती है। और दिल के अंदर जाना है। दिल के अंदर जाना, जिंदगी जो है ना उसी पर। ये बताइए डॉक्टर साहब, किन लोगों की, जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो एंजियोग्राफी की जाती है? मैं अभी आप जो डिबेट में नहीं जा रहा क्योंकि फिर प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हमारी यह क्या क्राइटेरिया होता है कि किनकी एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए और किनका बाईपास करना चाहिए? ठीक है ना, कुछ लोग फरमाइशी बाईपास करवाना चाहते हैं, कुछ लोग फरमाइशी एंजियोप्लास्टी करवाना चाहते हैं, फरमाइश पे चलना चाहिए या इसका मेडिकल कोड ऑफ एथिक्स है? लेकिन इसका जवाब भी बताए आप कब देंगे? एक जगह पे जाना होता है और आपको पता है ब्रेक पे वो जाना है ब्रेक पे। नाजरीन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, पूछेंगे एंजियोप्लास्टी और बाईपास कौन सा ज़्यादा बेहतर है और किसको किस वक्त करवाना चाहिए, और दूसरी बात बाईपास अगर किसी का हुआ है तो बाईपास के बाद क्या क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं जो कि उस मरीज़ को करनी चाहिए, सारी बातें करेंगे। जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।